माई न्यू ब्लॉग, तो आपने छोटी हैप्पी छोटी दिवाली वाले मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसमें मेरे इतने एक्साइटेड था मैं। और आज बड़ी दिवाली है आज, तो मैं तब भी एक्साइटेड हूँ। आज सबको फिर से हैप्पी दिवाली। तो आज सब मेरे पास स्टेटस पे स्टेटस आ जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ जा रहे हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबके मैसेज आ जा रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर के भी मैसेज आए मेरे पास। तो हैप्पी दिवाली तो उनको भी विश करना चाहता हूँ, सारे दुनिया जितने जितने भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनको हैप्पी दिवाली फिर से मैं विश करता हूँ। और आज चलिए मैं आपको अपने झालर दिखाता हूँ, मैंने झालर जो लगाई है, जो जलेगी तब तो आपको रात में दिखाऊंगा, वैसे जो मैंने जिस तरह से लगाई झालर वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं मैंने आपको, जैसे ये ब्लैक तार में दिख रही होगी झालर, तो मैंने ये झालर ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी लगाई और नीचे बांध दिए मैंने, और वहाँ पे भी ऐसे करके लगा दिए झालर। तो मतलब 22 झालर मैंने लगाई है, और सबका एक कनेक्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे ही मैंने झालर, मुझे एक दिन में नहीं, मैं 2 दिन में झालर डाल पाया, क्योंकि मैं इतना ट्रेंड नहीं हूँ ना बढ़िया जब मैं झालर डाल लूँ। तो फिर मैंने इसका कनेक्शन, सारे झालर का कनेक्शन यहाँ दे के, फिर इसमें यहाँ से अपना ये वाले टॉप पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो अभी मैं गया था क्रैकर्स लेने, और ये देखिए क्रैकर्स मैं लेके आ चुका हूँ, थोड़े से लाया हूँ, 200 रुपये लेके गया था, और थोड़े बहुत क्रैकर्स ले आया हूँ। और क्रैकर्स फोड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि ज़्यादा फोड़ेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो थोड़े बहुत पटाखे फोड़ लिया, मन को भी खुशी मिल जाएगी और संतुष्टि मिल जाएगी। तो दिखाता हूँ आपको मैं कौन से क्रैकर्स लाए और क्या क्या फोड़ूंगा, जब ये फूटेंगे रात में तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा ब्लॉग में। आप ये सब हम पटाखे लेके आए हैं, ये जो आप मोटे मोटे आप देख रहे हैं, तो ये आसमान में फटेंगे जब ऊपर हो जाएगा, सन से स्पार्कल टाइप का फटेगा। और बिग बुलेट है, और मिर्ची ले आए, बस इतनी चीज़ें लाए हैं, वो की ज़्यादा ला क्या करना है, 200 रुपये में इतना ही लिया है बस। 200 रुपये में इतना ही पटाखा लाया, तो बस मुझे ज़्यादा फोड़ना नहीं था, थोड़ी बहुत फोड़ने थे लिया है अपना, बस मन भर गया पटाखे छाती हो फोड़ लेंगे दिवाली रात में, तो बस इतना था। और आज बढ़िया सूरन की सब्जी, क्योंकि दिवाली दिन सूरन बनता है, और देखते हैं कुकर में मम्मी ने क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, एक कटहल बनाऊंगा पक्का, तो कटहल और सूरन की सब्जी खाएंगे, और साथ में पूरी बनी है, तो आज मुंह में पानी पे पानी हो रहा है। तो चलिए मैं अभी खाता हूँ, फिर आपसे फिर बात करता हूँ। हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं हैप्पी दिवाली का सामान ले पाए और सब कुछ। तो तुमको भी हैप्पी दिवाली विश पाइप मेरे, और आप दिया देखें दे सकते कितना अच्छा लग रहा है जलता हुआ, और इधर भी ऐसा कोई त्यौहार होता है जिसमें हम लोग इतना मगन हो जाते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, ऐसे ऐसे कई त्यौहार हैं हम लोग मगन हो जाते हैं। दिवाली में तो हमें मेरे को पता ही नहीं चला कब खाना मैंने क्रैकर्स फोड़े, कितनी देर में खाना खाया, कितनी देर हम लोग इन्जॉयमेंट किए, जो मैंने टाइम देखा यार टाइम देखा जाए था, मुझे एकदम शो देखना था, तो मैंने टाइम देखा यार टाइम तो देखा 12 बज गए हैं यार, तो हम लोग इतने त्यौहार में मगन हो गए और 12 भी बज गए, हम लोग को पता भी नहीं चला। तो ऐसा भी होता है, तो 12 बजे सोए हुए और सुबह के 8:30 बजे उठ गया मैं, क्योंकि मुझे और देर सोना था, तो मेरे मामा आ गए, तो कर लिए थोड़ा सा तैयारी करनी थी, तो इसलिए जल्दी उठ गया मैं,
और अभी मैंने जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा दी, थोड़ा सा कोई क्रैकर जो फोड़ते हैं तो हवा अंदर वंदर आ जाते हैं, तो झाड़ू करके वो बाहर कर दिए हैं। अब काम झाड़ू वाले आएंगे, वो झाड़ू लगाएंगे, उठा ले जाएंगे, तो घर से अंदर तो क्रैकर साफ हो गया, घर भी साफ हो जाएगा, साफ हो गया तो और भी अच्छा। तो अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, जल्दी से नहाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ, और मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूंगा। तो चलो ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। बाय।